सो दिस इज द फर्स्ट कंपैरिजन वीडियो जहां पे हम तीन यू नो काफी नोन बी स्कूल्स को डिस्कस करने वाले हैं. बिकॉज हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यार बच्चों को कंफ्यूजन होता है व्हेनेवर दे आर स्टक विद आइदर टू ऑप्शंस और थ्री ऑप्शंस. एंड हियर आई एम गोना कंपेयर फॉर दिल्ली आईएमआई दिल्ली एंड ग्रेट लेक्स गुड़गांव. चेन्नई नहीं है, गुड़गांव है, बिकॉज लोकेशन वाइज कहीं ना कहीं ये दो और तीन ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट की लिस्ट में रहते हैं. सो हाई, माई नेम इज आरशी खान एंड वेलकम टू माई चैनल. आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. एंड सीमैट का एग्जाम तो हो ही चुका है, रिजल्ट जो है वो कुछ ही समय में यू नो मेहमान की तरह आने वाला है. एंड एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द सेम एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. सो कमिंग टू द ओवरव्यू व्हेन इट कम्स टू दीज थ्री कॉलेजेस, सबसे पहली चीज की जब आप दो या तीन कॉलेजेस को कंपेयर कर रहे होते हो, ये तो काफी नोन कॉलेजेस हैं तो इतना ज्यादा वेरिएशंस प्लेसमेंट में नहीं होगा, राइट? दैट इज द रीजन कंपैरिजन इजी होगा. बट जब आप यू नो टीयर टू के टीयर थ्री के कॉलेजेस को कंपेयर कर रहे होगे तो वहां पे अगर तुम सिर्फ प्लेसमेंट के बेसिस पर कंपैरिजन करोगे तो जेन्युइन प्लेसमेंट तो उनकी वेबसाइट पर लिखे ही नहीं होते हैं. मतलब उनकी वेबसाइट पर कुछ और लिखा होता है और उन कॉलेज की लाइफ में, उनकी रियल कॉलेज में प्लेसमेंट कुछ और ही चल रहे होते हैं. तो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. बट इफ इट इज अमंग गुड कॉलेजेस जहाँ का पता है प्लेसमेंट तो है बट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन यहाँ पे भी है, तो उस केस में आप पहले तो फीस कितनी लग रही है, फीस के हिसाब से एवरेज पैकेज कितना जा रहा है, फैकल्टीज यू नो कैसी हैं, गेस्ट फैकल्टीज ज्यादा हैं या फिर फुल टाइम फैकल्टीज ज्यादा हैं, ब्रांड वैल्यू क्या है, राइट? एंड ऑब्वियसली ओवरऑल यू नो कितना पुराना कॉलेज है, उस हिसाब से एलुमनाई नेटवर्क भी जो होगा वो कॉलेज का होगा. सो अगर हम फोर की बात करें, 1981 का कॉलेज है, ग्रेट लेक्स जो है वो 2010 का है, वेयर इज आईएमआई दिल्ली भी जो है वो 1981 का है. तो इस लिस्ट में अगर हम कंपेयर कर रहे हो तो मैं यू नो अगर ईयर वाइज और सारी चीजों में कंपेयर करूँ तो आई थिंक यू नो आईएमआई दिल्ली और फोर जो हैं वो दोनों ही काफी पुराने हैं. वेयर इज रेस में नया घोड़ा जो है, राइट, दैट इज ग्रेट लेक्स गुड़गांव. सो अगर आप यू नो इस बेसिस पे लेते हो, बिकॉज ऑब्वियसली कॉलेज पुराना है तो उसका इन somehow matter करता है. एलुम नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, फैकल्टी स्ट्रॉन्ग है, एक ब्रांड वैल्यू इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है. सो यस, इफ इट इज because of the year of establishment then in that case abhi for and imi ko aap priority list mein rakh sakte ho. Now moving to the next slide, let's talk about, as you always know, I don't prefer ranking but this is nirf ranking, so you can have a look, right? 43 and 26. to agar hum nirf ranking ke hisab se baat kare to obviously yaar imi is on 26th, top 26 colleges where, let me tell you, nirf ki ranking ka parameter jo hai wo placements nahi hota hai, but parameter hota है कि करिकुलम कैसा है, डाइवर्सिटी कैसी है, कितना इन्वेस्टमेंट वो एजुकेशन पे करते हैं, और इन्हीं सब के बेसिस पे कहीं ना कहीं रैंकिंग दी जाती है. तो अगर हम रैंकिंग के बेसिस पे देखें तो आईएमआई इज फार बेटर देन ऑप्शन. अभी मैं कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रही थी, ही वाज कंफ्यूज बिटवीन फोर एंड आईएमआई, राइट? आई गाइडेड हिम आईएमआई, राइट, इन दैट केस एज पर हिज प्रोफाइल, बट ही टोल्ड मी दैट थिंग कि आईएमआई की फीस ज्यादा है, फोर की फीस कम है, तो एक और वो फीस का कंसर्न है. तो उस पॉइंट पे भी आऊंगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर उसने वो सवाल पूछा तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को सेम क्वेश्चंस हो सकते हैं. नाउ कमिंग टू द कोर्स, एमबीए कोर्स कराता है, अरे यार इन्होंने एमबीए एमबीए कर दिया है, कोई पीजीडीएम कराता है, कोई पीजीडीएम ज्यादा कराते हैं, तो ये सॉरी यू नो कंटेंट राइटर से मैंने बोला भी था एमबीए कोर्स हटाना है, बट उन्होंने एमबीए छोड़ के जो बाकी कोर्स है ना वो हटा दिए हैं, तो माफी चाहते हैं. अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम तो शूट करने आ गए, और दोबारा शूट करने को बोलोगे तो ट्रस्ट मी यू नो इट्स लाइक फास्ट तो है, पानी तो पी नहीं सकते, बट उसके बाद भी लगे हुए हैं शूट करने, बिकॉज आई नीड टू यू नो डिलीवर कंटेंट व्हेन इट कम्स टू वीडियोस. कमिंग टू बैक टू द वीडियो, दैट इज कोर्स फीस. टोटल फीस 16 लाख है फॉर दिल्ली की, वेयर इज आईएमआई की फीस है 19,25,000. तो यहाँ पे अगर आप देखें 17 और ऑलमोस्ट 20 तो नहीं कहेंगे बट 17, 18, 19 2,25,000 का डिफरेंस है, और इसका फीस तो काफ़ी कम है ग्रेट लेक्स गुड़गांव का. तो फीस सब कम, सबसे कम इसकी है, एंड फोर की सेकेंड है, थर्ड आईएमआई पे कंक्लूड करूंगी, हैव पेशेंस. बट अगर तुम इस कैटेगरी के कॉलेजेस नहीं देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, यू हैव सम अदर ऑप्शंस इन योर लिस्ट व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, ऑल यू कैन डू इज फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस, आई थिंक आप तीनों निकाल चुके हो इसीलिए इस पर इतना डिस्कस करना नहीं बनता है,
फैसिलिटीज में भी यू नो उतना डिस्कस करने नहीं बनता, बिकॉज तीनों ही काफी नोन कॉलेजेस हैं। फैसिलिटीज में सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है राइट, अगर तुम्हें एक्सपोजर चाहिए जिम है, यू नो ऑडिटोरियम है एंड यस हॉस्टल है, सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। स्कॉलरशिप फॉर ऑफर करता है, बाकी सारे स्कॉलरशिप के लिए यू कैन जस्ट रिफर टू द ऑफिशियल वेबसाइट। एंड ये क्योंकि ईयर वाइज ईयर जो है वेरी करती है, चेंज होती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं आप वेरी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज प्लेसमेंट्स। यस बॉस, एक तो एस्टैब्लिशमेंट 2010 1981 ऑब्वियसली फॉर एन आई एम आई वॉज लाइक दिस राइट। देन सेकेंड चीज बात आई कि कोर्स फीस की, तो ग्रेट लेक्स गुड़गांव की फीस सबसे कम थी, देन फॉर की, देन सबसे हाईएस्ट फीस थी आईएमआई दिल्ली की। नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट फॉर की, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो इट इज 40 लाख, लेट्स से 40 नहीं है, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना भी कि मैं लेट्स से इसको कंपेयर करती हूँ 12 लाख का एवरेज पैकेज की थोड़ा बहुत, बिकॉज आई हैव सीन फ्लक्चुएशन हर जगह है, लेट्स से लेट्स कीप इट 12 एवरेज। ग्रेट लेक्स गुड़गांव 15 क्लेम करते हैं भाई, मतलब मुझे लगता है फोर, भले ग्रेट लेक्स ने अपना 15 लाख एवरेज लिख रखा है, बट आई थिंक फोर इज बेटर देन ग्रेट लेक्स फॉर श्योर राइट। एंड यस आई विल से, अगर मतलब डोंट गो विद द प्लेसमेंट, go what I'm saying, I'll give you a bet, you'll not regret, right? If you're confused between four and Great Lakes, go with four for sure. So 15 है तो इसको भी हम you know जितना वो है उतना ही consider कर लेते हैं जो claim कर रहे हैं, and इसका average you know IMI का 15 claim कर रहे हैं, but it is around 13-14 के आसपास का आप मान सकते हैं। So when it comes to सारा ही हम देखें तो तीनों में यू नो कहीं ना कहीं आइदर इट इज एस्टैब्लिशमेंट, आइदर इट इज द एलुमनाई, आइदर इट इज द ब्रांड वैल्यू, आइदर इट इज इवन द कट ऑफ राइट। आईएमआई दिल्ली का कट ऑफ सबसे ज्यादा अच्छा है, क्राउड अच्छा है, कंपटीशन ज्यादा है यार, एक्सपोजर ज्यादा है, उन सभी बेसिस पे आई विल कीप इट राइट दैट यू कैन चूज आईएमआई दिल्ली इफ यू नो थोड़ा सा, बिकॉज आई थिंक 1-2 लाख रुपए तुम ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो यार, फाइनल इन्वेस्टमेंट है व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, इफ यस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो राइट देयर। या सो तो अगर हम ये देखें तो आई वुड सजेस्ट टू गो विद IMI, देन सेकंड विल फॉर एंड थर्ड विल बी ग्रेट लेक्स गुड़गांव। ये वाला इतना क्लियर इस भी हो पाया बिकॉज हम बहुत फिर भी अच्छे कॉलेजेस डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि कॉलेजेस की लिस्ट नीचे जाते जाएगी, इफ यू वॉन्ट मी टू मेक कंपेरिजन बिटवीन योर प्रेफर्ड कॉलेजेस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फॉर श्योर मेक अ वीडियो ऑन दिस, बिकॉज ये हमारी सीरीज चल रही है कंपेरिजन की, जहां पे मैं तुम्हारे कॉलेजेस को कंपेयर करने वाली हूँ, ये लूँ या फिर ये लूँ, ये लूँ या ये लूँ, बस क्या बताओ, तुम बता दो राइट। एंड ये एलुमनाइज है, और अगर एलुमनाइज में भी तुम देखोगे द काइंड ऑफ कंपनीज, गोल्डमैन सैश, फॉर का, गूगल राइट, देन अगर ग्रेट लेक्स का देखोगे आप सिर्फ एलुमनाइज से डिफरेंस कर सकते हो, KPMG, लोकसभा राइट, फॉर्मर मेंबर ऑफ लोकसभा। सो एलम नेटवर्क मैटर करता है, और वही कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू पे भी आता है, एंड प्लेसमेंट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो दिस वॉज अ वीडियो एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस, इफ आई एम फेल्स, सो डू लेट मी नो योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज मी अर्शिकांत साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।